से देखो अभी इधर एफ लग रहा है, ये पर्सन है, इसको देखो ये पर्सन है, ये इसका वेट एम जी हो गया, इसका वेट एम जी हो गया, दो पर्सन इसको खींच रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों का फोर्स बराबर है। अब वो कह रहा है स्लोली, स्लोली का मतलब इसकी वेलोसिटी जब ऊपर जा रहा है, जब ये पर्सन ऊपर जा रहा है इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब बहुत स्लोली जा रहा है, लगभग जीरो वेलोसिटी से, सही है। तो इस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा। तो देखो इस टी का यानी इस एफ का टेंशन जितने फोर्स से खींचेगा वही रस्सी में टेंशन होगा, ठीक है। और ये एफ जो है उसका इधर कंपोनेंट आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा, बोलो, और इसका इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा इधर और इधर कैंसिल हो जाएगा, एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया ना, बोलो। तो यहां से एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, टू एफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू एम जी आ गई, बोलो, सही है ना। अरे यार ऊपर जो फोर्स लगेगा वही एम जी को बैलेंस करेगा इस पर्सन के वेट को, बोल भैया। तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है यही तो इसको बैलेंस कर रहा है एम जी को, तो टू एफ कॉस थीटा नहीं हो गया, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो यहां से एफ कितना आएगा, एफ जल्दी बोलो एम जी अपॉन टू कॉस थीटा, बोलो सही है। अब ध्यान देना जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये रस्सी ऐसे होती जाएगी कि नहीं, ऐसे बोलो ऐसे होती जाएगी कि नहीं, तो ये थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, चलो बोलो बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा ना, थीटा इंक्रीज करेगा। अब बताओ कॉस थीटा क्या होगा, अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है, अगर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है, देखो थीटा कम कॉस जीरो वन होता है ज्यादा होता है, और कॉस 90 कम होता है जीरो, तो थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा, और कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगा, कम से डिवाइड करोगे तो ज्यादा आएगा। और जब ये पूछा है कि जब ये एकदम ऊपर यहां आ जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, बोलो, तो ये जब यहां आ जाएगा तो रस्सी तो एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, बोलो। तो अब बताओ थीटा कितना हो गया, 90 हो गया कि नहीं, जब ये ऐसे आ जाएगा तो ये थीटा ये वाला ये वाला दोनों 90 हो गया ना, और कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे बात समझ में आई, तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा जब ये ऊपर पहुंचेगा तो, ठीक। फिर से बता दे रहा हूं जो फोर्स तुम यहां लगा रहे हो हाथ से वही रस्सी में टेंशन टी बराबर एफ होगा, ऐसे इधर भी एफ होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, टू एफ कॉस थीटा ऊपर, इसका वेट एम जी नीचे, टू एफ कॉस थीटा बराबर एम जी, एफ बराबर एम जी अपॉन टू कॉस थीटा, थीटा बढ़ेगा ऊपर जाने पर इसलिए कॉस थीटा घटेगा, इससे कम से डिवाइड करोगे ज्यादा आएगा, तो फोर्स इंक्रीजिंग होगा और यहां पहुंच के इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना।